मेरे को प्रॉब्लम तुम्हारे से कुछ भी नहीं है, तुम ये डोर खोलो, ऊपर जाने का रास्ता है, इमरान क्या रास्ता नहीं है, इमरान क्या बात बोलिए, मैं आपको आए काला पत्थर के, काला पत्थर के पुलिस वाले भी इनके साथ है, अब किस वजह से अरेस्ट करने वाले मेरे को वो नहीं मालूम है। अरे तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम हैंडल कर लो, ये डोर खोलो तुम पहले, तुम्हारा रास्ता नहीं है, ये तुम्हारा रास्ता हो, दूसरे का रास्ता है, वहां से बात कर लेना, आपको बोल रहा आपको अम्मी आ रहे हैं, अरे दो मिनट तुम्हारे अम्मी आ रहे हैं ना, तुम्हारे अम्मी वो रास्ते से बुला बोलो, दो मिनट ठहरा मैं जब ये एमआईएम का मैटर है ही नहीं, तो एक बार पूरे ये मोदम खान के लोग हैं, पूरे ये मोदम खान मरते हैं, तीनों पड़ के मरी है, पर्सनल बता दो, घर में खान पड़े घर में कुछ क्या मार्ग है, पहले क्या मोदम खान एमएलए की अफसरों में आज उसको एमएलए की सफर बना लोगों की, दूसरों की अम्मा तो गाने दे रहा है, तो आएगा तुम्हें पर बेटा नहीं लेना रहा है, कुछ मोदी नहीं अम्मा बाहर गए थे, यहाँ गए थे, बच्चे का जीना हराम कर दिया हमारे, क्या जीना मर जाना, मरने का नहीं है, अपने होने का बहुत नौकरी का फायदा होता है, मोदन खान तो चार है, मोदन खान काम लेटर हो क्या है, बोल रहे थे हाँ सर, बोलो निकाल के देते हैं, गर्म नहीं कराओ आपका सुपीरियर ऑफिसर भी, हाँ हम बाहर खिड़की से भी दस्तखत करे तो भी चलता, बोले तो ले लो राइट सर, ये मम्मी माटडको नीरा अच्छी बात बोले तो बाइक जी, मेरी गाड़ी कहीं बता दो, वही कर रहा हूँ, अरे मेरी गाड़ी है यहाँ पे, कितनी है फिर वो, आई डोंट नो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, ये बच्चा मेरा बच्चा है मोहम्मद इमरान, तो वही अब उनके मध्य प्रदेश से कुछ पुलिस वाले आए हुए हैं, काले पत्थर केस चलो बोल के बोल रहे, जबकि बच्चा मेरा कुछ सवाल नहीं करा, सवाल ये है मेरे बच्चे का करा, कहते ये जो हिजाब के बारे में बात करे, उन्होंने हिजाब के बारे में बात करे तो क्या गलत बात करे, हर बार मेरे बच्चे को पीएस में पुलिस वाले आते हैं पकड़ते हैं, केस हम बुक करते हैं, क्योंकि कितने बार भी बच्चा बात करे तो गलत उसमें एक बात भी नहीं है, अगर गलत है तो मैं बोलती हूँ गलत है, बल्कि बच्चा मेरा कुछ गलत नहीं है, मध्य प्रदेश से पुलिस वाले आए कहते तो अब हम काले पत्थर पीएस चलो बोले, जबकि काले पत्थर पीएस में मेरे बच्चे के साथ इंसाफ नहीं हुआ, पूरे फॉल्स केस बुक है उनके ऊपर, फिर जो लोग हमारे घर पे हमला करे उनकी कंप्लेंट दिए तो वो कंप्लेंट खाली कंप्लेंट ले ले, केस उनके बुक नहीं करे, क्यों ऐसा हमारे बच्चे के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, हम सबसे जो बड़े पुलिस के सीमी आनंद सर उनसे सबसे हम गुजारिश करते हैं, क्या बोले आपको कोई नोटिस वगैरह दिए, नोटिस वगैरह भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, काले पत्थर पीएस चलो बोल रहे, मगर हम काले पत्थर पीएस में किस बुनियाद पे बच्चे को भेज सकते, अब वहाँ काले पत्थर पीएस को तो ये सर बोल रहे हैं, ये सर बोल रहे हैं, लेकिन उन काले पत्थर वाले ऐसा करने से हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि काले पत्थर पीएस वाले ऐसे हैं कि सिर्फ उन्हों हमारे बच्चे की एक भी नहीं सुनते, उन्हों खाली जितने केसेस है फॉल्स बुक करते हैं, हमारी बात तो बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ वहाँ पर,
इसलिए हम क्या है मध्य प्रदेश की पुलिस वालों को भी यही बोल दीजिए कि मध्य प्रदेश की पुलिस से भी हमको कुछ वो नहीं है, क्या वो लोग आए हैं मगर काले पत्थर केस के बारे में उनको नहीं मालूम, काले पत्थर केस वाले हमारे बच्चों के साथ इंसाफ न करें इसलिए हम नहीं भेज रहे, नहीं तो वो मध्य प्रदेश की पुलिस से हमारे को कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ काले पत्थर की पुलिस से हमारे बच्चे को खतरा है, कुछ भी कर सकते हो लोग, इसलिए हम वहाँ नहीं भेजना चाह रहे जी। हाँ बस तो ना बच्चे का सभी बोल रहे सब लोग इंसाफ करना, पर मेरे बच्चे क्या सब लोग मीडिया में आना पड़ा, आज हम इतने साल के हो गए आज तक मीडिया में नहीं आए, क्या किसी से मंगने गए किसी के दर पे गए थे क्या, हम आज तक किसी के दर पे नहीं गए हम, क्यों मेरे बच्चे क्या सब मेरे को आज मीडिया में आना पड़ा, हम भी एक इज्जतदार घर की फैमिली हमारी भी, और मेरे बच्चे का कसूर क्या है, क्या मेरा बच्चा किसी को चाकू से मारा है क्या करा थे भी आखिर, मेरा बच्चा जो वर्ड यूज करा वो 100% सही है, इसमें एक भी गलती नहीं मेरे बच्चे की, तो क्या गलत सवाल करा बच्चा, पहले आप ये करे थे बोल के बोला बच्चा ऐसा, तो अब ये हिजाब के बारे में बोलते हिजाब सबके लिए है ना, मैं इस हिजाब के खाली उनके वालदा के लिए इमरान की बहनों के लिए हिजाब नहीं है, तमाम उम्मत मुम्मती के लिए हिजाब है, हम सब बहनों के लिए गैर गलत बातें बोले करते तो बोले उन्होंने, तो आप लोग भी इंसाफ करना, हमको हर एक क्या बोलते हैं मुसलमान हो या हिंदू हो सबसे हम किसी से इख्तलाफात नहीं है हमारे को, क्यों रहेंगे हमारे को जिसका मतलब उनको प्यारा है उनको, लेकिन मेरा बच्चा हिजाब के बारे में बोला कुछ गलत नहीं करा, और हम एहसान मानने के सब लोगों के हमारे बच्चे को अमजदुल्ला खान साहब का भी शुक्रिया है और फिरोज भाई राशिद भाई उन लोगों का भी शुक्रिया है कि हमारे बच्चे को लोग बुरे टाइम पे वक्त पे साथ ही मेरे बच्चे को निकाले, वो लोग इंसाफ मांग सकते हैं ना, फिर वो राजा सिंह के घर पे भी नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे भाई, आप सबको बोल रहे हम क्यों नहीं जा रहे आप लोग वहाँ पर, क्या बस ही नहीं जा रहे वहाँ पर, वो तो गलत गालियाँ दे रहे, मेरा बच्चा तो गाली नहीं दिया ना किसी को, अब जो यहाँ ठहरे यहाँ पर भी आके कई लोग गाली देखे गए, अभी तो हम उनको इनको क्या बोलना, यहाँ पर भी इमाम के वर्कर से गाली देखे गए, क्यों गाली देते भाई, जाओ ना आप लोग गाली देने वाले राजा सिंह के घर पे जाइए आप लोग, क्यों नहीं जाते वहाँ पर, वहाँ नहीं जा सकते हमारे बच्चे को क्यों दबा रहे, और हमारी फैमिली किस तरीके से परेशान करे कि हम लोग खर्जे में कुप्पा गए, ये सुनाए तो क्या बोल रहे पैसा मांग रहे, किससे पैसा मांगे, कौन पार्टी वाला पैसा दिया हमारे को, बोल सकते आप लोग कौन दिया क्या पैसा, अगर किसी से भी अगर हम चाहे कोई भी पार्टी वाले से अगर हम पैसा अगर हमारा बच्चा एक रुपया भी ले तो हराम है, कलमा नसीब ना कहो दो उनको जो बोले सवालों की, या मेरे बच्चे को या मेरे मीडिया के जरिए क्या मैसेज देना चाह रहे, मैं यही मैसेज देना चाह रही कि मेरे बेटे के साथ इंसाफ होना और मेरे बच्चे को यहाँ से नहीं भेज सकती, क्योंकि वहाँ की पुलिस की बात नहीं है, ये काले पत्थर वाले पे मेरे किसी खदर भरोसा नहीं है, उनके ऊपर हम नहीं भेज सकते, बस खत्म इतना ही बोलना चाह रही मैं, हमारे बच्चे के साथ इंसाफ होना, सीबीआई सर से भी गुजारिश है सबसे गुजारिश है कि इंसाफ करिए, खुदा हाफिज़। बच्चे भरा थोड़ा बोले कौन है रे तू बोल के बोले गलत क्या है भाई, क्यों बच्चे के पास तो जुल्म करे, हिजाब के बारे में हमारे मुसलमानों का लिबास है वो हिजाब, क्यों बोलते इसके बारे में हिजाब के बारे में, हम किसी के मजहब के बारे में नहीं बोल रहे ना, फिर हमारा बच्चा बोला मालूम ये हुआ कि उनको टेररिस्ट बोले मालूम होएगा ना, पूरा सोशल मीडिया पे पूरा वायरल है वो वीडियो देख सकते, जितने बड़े लोग हैं पहले भी नाइंसाफी करे बच्चे के साथ हमारे टेररिस्ट नहीं बोले, सुनो गौर से कैसा बोलते, पूरे लोगों को सुने नहीं आ रहा क्या, पूरे लोग नहीं भाई पूरे लोग जो सुन रहे हैं उनको सुनना नहीं है, आँखा नहीं है कान नहीं है क्या उनके, उनकी वो तहकीकात करिए, तहकीकात करके बोला ऐसा बोलो तो नहीं होता ऐसा, बिना वजह बच्चे के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा देंगे, कैसा बुक करेंगे पहले भी बच्चे कैसा बुक करे, मस्जिद के बारे में पहले कह रहे क्यों बुक करे भाई, इंसान है सबको जवाब देना है अल्लाह के पास जाके, दुनिया की हुकूमत और ओहदे का फायदा उठा रहे हर कोई, अपने ओहदे का फायदा उठा रहे से है क्या, हर किसी मुसलमान या हिंदू सबको बोलने का हक है ना, नहीं है हरास कर रहे तो क्या गलत कर रहे, कह रहे भाई क्या आप लोग भी सुन सकते हरासमेंट क्या करे, 2019 का रिकॉर्ड है, हरासमेंट क्या करे भाई साहब, आप देखिए फोनों में क्या गलत है कैसे, आप लोग देखिए बच्चा क्या बोला, मस्जिद क्या हमारे बच्चे की है हमारी है, आगे वाले बात नहीं करना चाह रहे तो तंगर के बात क्या तंगर के बात कर, देखिए आप देखो ना आपको आखा नहीं है आपको जाना नहीं है दुनिया में रहना है, दूरों की बात सुनने के वास्ते पूरे फॉल्स केसेस बुक करे, बोलना ये एनडी के आपका बच्चा जो है बेकसूर है, मेरा बच्चा बेकसूर है एक भी कसूर नहीं है उसमें, पूरे बच्चा मस्जिद का सवाल कर रहा है भाई साहब आप लोग भी सुन रहे, मस्जिद किसके लिए, हर एक मुसलमान के ऐसी मस्जिद है कि मेरे एक बच्चा मस्जिद में पढ़ता, अभी भी भाई वहाँ से आ रही पूरा कचरा पड़ रहा है मस्जिद की तरफ, वहाँ पर भी क्या मैं भी संभाल के तो मेरे को भी केस बनेंगे क्या, उल्टे कैसे मौजम खान बुक करे और दूसरे फौज कैसे बुक करे, और कौन की है कहते दलिंदर ना जाए वाला इरशाद कहते उन्हें केस बुक करा क्यों कर रहे, अभी जो पुलिस है मध्य प्रदेश की यहाँ का कुछ भी केस नहीं है तो वो लोग करे सो सब ये नहीं, अब वो किसकी साजिश है पता, कोई साजिश करे क्या है हमारे बच्चे के पीछे, हम बिना सबूत के आप बच्चे को हम नहीं दे सकते चाहे कुछ भी हो जाओ,
बिना सबूत के बच्चे को हम यहाँ दे ही नहीं सकते। क्या है बताइए, हम आपको वारंट क्या लेके आए? तो उन्होंने भाई है तो क्या उनको सब चलेगा? भाई आप लोग अभी देख रहे उसके ये क्या है, हक की दुनिया ले रही क्या? उनके इंसान का पर नहीं है क्या? बच्चा मजीद का सवाल कर रहा, आप लोग सब देखिए बच्चे को मेरे मारते तो मार दो आप लोग, लेकिन हक की बात क्या गलत कर रहा आप लोग बोलो? ईमान वाले है ना आप लोग अभी मेरे भाई सब लोग, क्या बच्चे को मस्जिद का सवाल करते? क्या केस बुक कराना जरूरी है? आप एक तरीके से समझाते, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हर कोई सवाल करते थे, मुनाफिक सवाल करते थे, काफिर सवाल करते थे, क्या आप ऐसी जेलों को भेज देते थे सरकार? पुलिस वाले अरेस्ट वगैरह कुछ लेके आए नहीं बताया?